morning, good morning. So a very special day in my life to do something very special जो मैं बहुत time से करना चाहता था और finally अब मुझे करने को मिल रहा है. So we are all packed. You see my luggage here, the other one here. इसमें मेरा helmet है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह है, एक छोटा सा bag है जो मैं carry कर रहा हूँ जिसमें और भी सामान है. तो let's go यार. It's अराउंड 6:20 अराउंड 10 की फ़्लाइट है मेरी चेन्नई की. तो लेट्स गो एंड धूम मचा लेते हैं. चलो लगेज अपना चेक इन हो गया है एंड काफ़ी सीमलेस प्रोसेस था. इनफैक्ट आज काफ़ी जल्दी हो गया सारी चीज़ें और सरप्राइज तो काफ़ी टाइमली है. इट्स अराउंड 8:10 नाउ एंड मेरा बोर्डिंग स्टार्ट्स एट 9:15 तो काफ़ी टाइम है. तो मैंने बहुत भूख लगी थी यार सुबह, स्पेशली कहीं जाना होता है ना तो भूख ज़्यादा लगती है. तो वी हैव हैड अ फिल हियर, तो एक सैंडविच एंड सम टी वी हैड दैट एंड बोर्डिंग करेंगे और अभी मिलेंगे हम एट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ चेन्नई. तो आई विल सी यू ऑल देयर. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and finally arriving at Chennai. So we are here outside the Chennai airport, sipping this nice coffee, and we have Prateesh with me. I bumped into him. Yep. Looking forward to this taxi event. Yes, absolutely. So we have this car right with us. This is what we have. This is going to take us around for a few days. कुछ दिनों के लिए इसी के साथ जाएंगे and पहले अभी खाना वाना खाएंगे and then probably move out and settle down, that is. तो finally हम लोग पहुँच गए हमारे होटल that is at SIAH और यहाँ पर रहूँगा मैं 2 दिन. यहाँ पर रहने वाला हूँ. I have checked into my room and this is my room guys. Cozy room mila hai. I'll let you all know how much I spent on the room. I'm very close to the MMRT के बस बगल में ही हूँ मैं and अभी बता देता हूँ. वैसे 2,300 रुपीज़ मैंने भरा charge for this hotel and just see this room. ये अगर मैं खोलता हूँ ना तो आप लोग को हाईवे दिखाई देगा पूरा. तो ये देखिए, दिस इज द हाईवे. आगे ही वहां पर अगर हम जाएंगे तो दैट इज द MMRT जो रेस ट्रैक के. दिस इज द नियरेस्ट होटल टू द रेस ट्रैक. तो आई वुड कंप्लीटली रेकमेंड दिस होटल. SIAH होटल है, SIAH इन. वहां पर देखिए लिखा हुआ है SIAH इन. नाइस कोजी प्लेस. मैंने इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा. बट यार फ्रिज भी है यार, क्या बताऊं. मतलब फ्रिज भी है अंदर, भले मैं यूज़ नहीं करूंगा लेकिन फ्रिज है. एक छोटा सा टेबल है, आई कैन कीप माई लैपटॉप देयर, काम कर सकता हूँ. यहाँ पर एक वार्डरोब है. इनफैक्ट वॉशरूम तो मैंने देखा भी नहीं है. वॉशरूम देखते हैं कैसा है. एंड दिस इज द वॉशरूम. और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो रूम है ना ये एक स्मोकिंग रूम रह चुका है. तो काफ़ी स्मोक का मुझे स्मेल आ रहा है विच आई एम नॉट लाइकिंग. देखते हैं, इफ़ आई एम नॉट कम्फर्टेबल मैं चेंज करा लूँगा. तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ा देर चिल करूँगा और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड से मिलाऊँगा मैं आप लोग को जो एक रेसर है और जिसने मुझे इनफैक्ट रेकमेंड किया ये जगह प्लस ये कोर्स भी जो मैं Gusto रेसिंग के साथ कर रहा हूँ. तो Gusto रेसिंग की भी मैंने अराउंड 25,000 रुपीज़ भरे चार्जेस फॉर द 2 डे दैट इज द लेवल 1 एंड लेवल 2 कोर्स. उसके बारे भी मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा कि क्या क्या सिखाते हैं, क्या नहीं, कैसे सिखाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स भी मैं ये वाले वीडियो में बताऊंगा. तो फिर इसीलिए पूरा वीडियो देखो ताकि आप लोग को, तो इसलिए जंप करके मत देखो वीडियो ताकि आप लोग मिस कर जाओगे काफ़ी सारे पॉइंट्स. पूरा वीडियो देखो क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला हूँ. मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये वाले वीडियो को लेके, ये वाले व्लॉग को लेके. तो मिलेंगे कुछ टाइम के बाद. तो हमारा दिन ख़त्म होता है यहाँ पर. खाना वाना भी हम लोग ने खा लिया मस्त पत्ते के ऊपर, बढ़िया सा चिकन वगैरह खा लिया गोली सोडा भी पी लिया और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह जल्दी भी उठना है, 6:15 का अलार्म लगाया मैंने, तो अभी बजे अराउंड 11, तो फट से सो जाता हूँ यार, क्योंकि ठीक से नींद नहीं हुई है मेरी। तो हम मिलते हैं कल, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय। व्हाट्सअप, सुपर गुड मॉर्निंग देयर फ्रॉम BikerDaadLife एंड फुली रेडी हूँ मैं। ट्रैक का ये चैलेंज है, लेवल 1 और लेवल 2 का, ये फेस करने के लिए आई एम श्योर आप भी काफ़ी एक्साइटेड हो कि ये कैसा जाता है मेरा ट्रैक इवेंट। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि जो ट्रेनिंग है वो कवर कर सकूँ, बट आई नो मैं भी उधर सीखने जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहता शूटिंग करते वक्त। बट अगर मैं नहीं भी शूट करता हूँ तो बाद में मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताऊँ कि मैं क्या क्या सीखता हूँ। तो यस, इट्स अ नाइस मॉर्निंग यार, और जैसे आप देख रहे हो चेन्नई की जो धूप है वो पूरी आ गई है सर के ऊपर। एंड चलो कुछ खाते हैं आप और मिलते हैं एट MMRT। So this is it, and as you see there, this is the Madras International Circuit, as you see there. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand. And these are our bikes lined up here. I think we would be riding the R15s, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. You would be riding these bikes, which are here. Pretty excited, and we also have some 390s for the team. तो अभी बज रहे हैं 1 और लंच ब्रेक हो गया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ने जब चालू किया तभी हमें कहा गया कि स्पीड थोड़ा कम रहे। उसके बाद जैसे जैसे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लैप्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक 20-20 मिनट के लैप्स कर रहे हैं, 20 मिनट लैप कर रहा है, फिर हमारा बुकिश नॉलेज हो रहा है या फिर हमारा क्लासरूम सेशन हो रहा है। उसके बाद वापस हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तक 4 बार हम लोग ने कम से कम ट्रैक हिट किया और काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है विथ एवरी ट्रैक सेशन था। और जब टर्न्स आते हैं तभी हमें बॉडी पोजिशनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही है, कैसे हमें बॉडी पोजिशन करना है, कैसे पैर रखना है, कैसे शोल्डर्स रखना है, कैसे एल्बोज रखना है। तो काफ़ी, मैं से आपको एकदम बहुत बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं भी कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यस, गेयर अभी हम लोअर गेयर पे हायर आरपीएम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस बॉडी पोजिशनिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमें ट्रेनर्स ने बताया गया है। पुश कर रहे हैं खुद को, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पुश कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन हो रहा है, आई नो काफ़ी धूप है, देखिए पूरा धूप है तो डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, बट यू आर मैनेजिंग। ORS वगैरह डाल के पानी में पी रहे। तो चलिए लेट्स गो एंड हैव लंच देन। और अभी जस्ट लंच हुआ है हमारा और हम लोग मरे पड़े, देखो ऐसा मरे पड़े। खाना काफ़ी अच्छा था, चिकन काइंड ऑफ बिरयानी था, दाल वाल था, चावल था, रोटी था, सब्जी पोटैटो का सब्जी था। तो इतना सब खाने के बाद, दही था, इतना सब खाने के बाद तो आदमी को थोड़ी बहुत तो सुस्ती आएगी, प्लस सेशन भी काफ़ी टायरिंग था हमारा। तो अभी हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी इस लंच के बाद जो है काफ़ी हेक्टिक होने वाला है हमारा शेड्यूल, और वही चीज़ बार करेंगे हम ताकि हम परफेक्ट हो जाए। तो अब जैसे आप देखोगे सब लोग रेस्ट कर रहे हो, ये देखिए एवरीबडी इज़ रेस्टिंग, और लंच के बाद के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि लंच के बाद हम लोग और ज़्यादा पुश करेंगे खुद को और बाइक को। सो वी हैव टू बी इन द बेस्ट ऑफ शेप। मिलेंगे आपको बहुत। just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Can you see forever we will वापस आ गए हम रूम पे। और अब तक हमें लगता था या फिर अब तक मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा बॉन्ड हूँ, बहुत फास्ट चलाता हूँ, लेकिन भाई साहब जब आप ट्रैक करके आते हो ना, इतने अलग अलग लोग को देखते हो, इतने अलग अलग लोग के साथ राइड करते हो, तब समझ में आता है कि आपकी रियल जो है कैपेसिटी समझ में आ जाती है। मुझे भी समझ में आ गया कि मैं ये हूँ जीरो। तो कुछ कुछ मेरे जो वीकनेसेस है, जैसे मैं टर्न्स पे वगैरह ज़्यादा स्लो हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। स्ट्रेट्स में मैं अच्छा कर लेता हूँ लेकिन टर्न्स पे थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई भी अभी तक फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं थी, तो ये अभी फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग को इस ट्रेनिंग के बाद मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये वाला कोर्स। प्लस ऑब्वियसली एज अ राइडर भी मुझे ज़्यादा सेफर रहना है, ज़्यादा बेटर रहना है, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है ये कोर्स करने का। तो ऑल इन ऑल आज हम लोग को जो लाइंस है, कैसे होल्ड करने हैं, कैसे टर्न्स लेना है, कैसे बॉडी पोजीशन करना है, ये थोड़ा थोड़ा करके हमें बताया गया। प्लस बहुत ज़्यादा आई थिंक अराउंड 8 ट्रैक सेशंस किए हम लोग, 20-25 मिनट के 8 ट्रैक सेशंस किए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किल है आफ्टर एवरी सेशन, आफ्टर एवरी राइड सेशन, ट्रैक सेशन बेटर होते गया। और वो मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा था मुझे भी कि यार ये टर्न पहले वाले सेशन में इतना खास नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद बेटर होते गया, बेटर होते गया। लेकिन समवेयर वेयर आई फील कि मेरा थोड़ा वीकनेस है, मेरा पर्सनल वीकनेस मुझे लगता है एट स्टैमिना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद है ना स्टैमिना मेरा ठूस हो जाता है। लाइक 2-3 लैप हो जाता है ना, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि यार बस हो गया आज के लिए। तो स्टैमिना नहीं है मेरा इतना ट्रैक पे चलाने के लिए, तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट। होपफुली मैं और कुछ और ट्रैक डेज करना चाहूँगा, कुछ और वापस कूल्स करना चाहूँगा, ताकि मेरा जो पोस्चर है, मेरा जो बॉडी पोजिशनिंग है, ये सारी मैं बेटर कर सकूँ। तो ये सारे मेरे आज के जो फीडबैक है आप लोग के लिए। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक 25,000 का कोर्स था ये गस्टो रेसिंग का, तो आप गस्टो रेसिंग चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ने की। और आपको अगर बाइक रेंट करनी है, जैसे मैंने R15 रेंट की थी, तो उसका अराउंड मोटा मोटा 13,000 रुपया 2 दिनों का लेवल 1 और लेवल 2 कर रहा हूँ मैं, तो 13,000 रुपीज़ खर्चा हो रहा है मेरा 2 दिनों का। ये फर्स्ट डे का ही आज का कोर्स खत्म हुआ है। लेवल 2 में क्या करेंगे हम एक्साइटिंग और ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा हमें बॉडी पोजिशनिंग और ये सारी चीज़ें करेक्ट होने वाली है। तो जो लेवल 2 में क्या होगा वो हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो अभी के लिए मैं यही वाला वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। ध्यान रखना आप अपना और अपने फैमिलीज का। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।